हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर की सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, होता क्या है कि 12th पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उसे करना क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट कृषि में है यानी कि एग्रीकल्चर में है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लो। बीएससी एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसे करने से आपको इजीली जॉब मिल जाती है और अच्छा सैलरी भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों, वीडियो कर लीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आएगा आपके मन में कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो मैं बता दूं, एग्रीकल्चर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें तकनीकी द्वारा कृषि क्षेत्र में कैसे बेहतरीन किया जाए इसकी पढ़ाई की जाती है। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करके उन्नत पैदावार के लिए भिन्न भिन्न किस्मों के बीज का हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है। संकर क्रॉस करवा के आप लोग पता होगा कि ये हाइब्रिड है, इनका हाइब्रिड है, उनका हाइब्रिड है। इन सभी बीजों पर अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है कि कौन सा बीज कृषि क्षेत्र में लाया जाए कि उन्नत पैदावार होंगे। तो इन सारी बातों की पढ़ाई होती है कृषि क्षेत्र में। तो इसके एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म भरने के लिए आपको 12th में 50% मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक। और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th किए होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। आपका बायो के साथ मैथ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैथ मेन है और एक्स्ट्रा बायो है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन बायो होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम, एज क्राइटेरिया 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए आपका और 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जिस टाइम फॉर्म निकलता है उस टाइम की एक्चुअल होती है। अभी तो फॉर्म नहीं निकले, जब निकलेगी तो उस पर भी मैं वीडियो बना के आप लोग के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि मतलब एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाता है, कैसे सिलेबस होते हैं। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। उसमें से आपका 25 मेंटल एबिलिटी होता है और 25 केमिस्ट्री रहता है। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो 50 बायो से आएंगे जिसमें जूलॉजी और बॉटनी रहेंगे। और अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो 25 फिजिक्स, 25 मैथ्स। यहाँ पर देखिए, 25 मेंटल एबिलिटी, 25 केमिस्ट्री फिक्स रहेंगे। बायो वाले के लिए 50 बॉटनी जूलॉजी से आएंगे, मैथ वाले के लिए 25 फिजिक्स, 25 मैथ से आएंगे। और कोई एग्रीकल्चर से इंटर किया हो तो उसके लिए 25 मेंटल एबिलिटी, 25 केमिस्ट्री और 50 एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे सर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक। चलिए देखते हैं, अगर आप पास कर गए तो कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं आपको। आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ठीक। उसके बाद है कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद गुजरात। उसके असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट असम। उसके बाद विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची झारखंड। आप वीडियो को पोस्ट करके सारे पढ़ सकते हैं। और 11 नंबर में कॉलेज है आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इस तरह है, सभी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान स्थान नई दिल्ली, ये आपके टॉप के कॉलेज हैं, ठीक। कृषि में ये आपके टॉप के कॉलेज हैं। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान, ये सारे कॉलेज हैं। आप इसमें अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं तो इन सभी कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉलेज मिले और यही कॉलेज आप इसी कॉलेज लेने के लिए आप तैयारी करें, इतना बेहतर तैयारी करें कि आपको ये कॉलेज मिले, ठीक। क्योंकि यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज होते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज होते हैं। चलिए, और सारे कॉलेज हैं वो भी देख लीजिए।
आपका 21 नंबर में हो गया महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मत्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय। उसके बाद ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं आप सब, जो भी हैं आप वीडियो को पॉज करके सारे कॉलेज के बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कि मतलब चलो कोर्स तो कर लिया भाई, सब कुछ कर लिया, अब नौकरी कहाँ कहाँ लगेगी। कुछ नीचे पद दिए गए हैं जिसमें आपका नौकरी लग सकता है, जॉब लग सकती है। पादप रोग विज्ञान में आपका लग सकता है ब्रीडर, कृषि मौसम वैज्ञानिक में लग सकता है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान में, अनुसंधान इंजीनियरिंग में, वैज्ञानिक में, प्रोफेसर किसी किसी कॉलेज में अगर आप अच्छे करते हैं, उस कॉलेज में टॉपर स्टूडेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन कॉलेज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो आपको उन्हीं कॉलेज में प्रोफेसर पद पर रहने के लिए आपको ऑफ़र करते हैं। कई बार आपको विदेश से भी ऑफ़र आते हैं कि आप हमारे देश आकर के इस क्षेत्र में आप डेवलप करो। तो मतलब बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में, आप करके तो देखो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है। उसके बाद बीज कंपनियां में आपको नौकरी मिल सकती है, कृषि कार्य में अवसर मिल सकता है, बीज जो मैंने बताया कि बीज में क्रॉस करवा करवा के हाइब्रिड बीज बनाया जाता है, जैसे आप पहले देखते होंगे कि ये वाला गेहूं था इतना मिल रहा था, अब इस गेहूं करने से इसमें पैदावार ज़्यादा हो रही है। हाइब्रिड होता है ना, जिसमें गाँव घर में आप सुनते होंगे कि ये हाइब्रिड बीज है, मूली में ही देखते होंगे एक छोटा सा होता है, एक हाइब्रिड वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटा लंबा होता है। ये सभी एग्रीकल्चर के अंदर ही आते हैं, और एग्रीकल्चर में जो वर्क करते हैं वही सब इन सारे बातों को ध्यान में रख करके क्रॉस करवाया जाता है, कैसे पैदावार कृषि क्षेत्र में उन्नत किया जाए। ठीक, और सब देखते हैं। कृषि इंजीनियरिंग में आपका जॉब लग सकता है, जितना भी है आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं एग्रीकल्चर और पैरामेडिकल दोनों के लिए क्लास चला रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जा कर के वीडियो सारे देख सकते हैं, जो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन हैं, मैं जीके का भी क्वेश्चन बहुत जल्द देने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका बेस्ट स्टडी हो और आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक तो आप कर ही दो यार, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू।